नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। हमारे साथ विक्रम साव हैं। आपको हम बता दें कि पटना नगर निगम में मूना जसवाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में मूना जसवाल हैं और ये इस बार उनको जोरदार इस बार टक्कर दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे नॉमिनेशन के बाद। पहली बार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कहना भैया? कहना यही है, जनता का भरपूर प्यार पिछली बार भी मिला था, मात्र चंद वोटों से हम पीछे रह गए थे और इस बार भी जनता मेरे वोट से पीछे, मात्र 100 सैकड़ा के अंतर था। अच्छा। और इस बार हम लोग जनता लोग एकजुट है और हम लोग का सबका, जितने भी गार्जियन है, अभिभावक है, युवा है, साथी है, महिला है, सबका समर्थन है और इस बार निश्चित तौर से हम लोग जीत दर्ज करके अपने वार्ड में विकास करो की संख्या में आपके साथ लोग यहाँ पर नॉमिनेशन रैली में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? इन सब का प्यार है, समर्थन है और इसी तरह प्यार समर्थन बनाए रखिएगा तो हम लोग क्या कहेंगे यही कहेंगे, हमारा भाई युवा की ओर से भरपूर कोशिश है कि ये विजय प्राप्त करें। मैं जहानाबाद से आया हूँ इनके लिए, जो भी चल कहूँ। आप जहानाबाद से इनके लिए? जहानाबाद से मैं इनके लिए आया हूँ। बिहार के कई जिलों से लोग इनके समर्थन में आए हैं, आप कहाँ से हैं भैया? पटना सिटी से है। क्या कहना है अपने नेताजी के विषय में? हम तो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विक्रम जी। और अभी जो भी है पार्टी भी फेस पर जो काम कर रहा है उससे बदलाव करके विक्रम जी काम करेंगे। क्या नारा दे रहे हैं नेताजी का? नारा क्या है बताइए, नारा क्या है? विक्रम शाह जिंदाबाद, विक्रम शाह जिंदाबाद। आपके समर्थकों में जोश नजर आ रहा है, आपके जिंदाबाद। क्या, कहाँ से आप हैं? वार्ड नंबर 67। 67 से हैं आप? इनके समर्थन में? एकदम समर्थन है। क्या कहना है इनके विषय में? पूरे जन आप लोग सैकड़ों की संख्या में हैं जी, युवाओं को आगे बढ़ाने का अभी हम सबको मौका दिया जाए। आपके साथ ही खड़े रहते हैं क्या? आप इनके साथ आज खड़े हैं? नहीं, आज इनके साथ खड़े हैं। आपके साथ ये सुख दुख में रहते हैं हमेशा जी। जी, क्या और बताइए कुछ इनके विषय में? मुन्ना जसवाल का क्या होगा इस बार? उसकी हार सुनिश्चित है, इनकी जीत सुनिश्चित है, एकदम सुनिश्चित है जी। नेताजी, एकदम आपके जो समर्थक है एकदम हर्षोल्लास के साथ आपका नारा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बड़े भाई हैं और इनका बहुत बड़ा अनुभव है और इस अनुभव को लेकर के ही हम लोग इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम जनता का विकास का बात आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप तो वहाँ के प्रत्याशी हैं, किस तरह से विकास हुआ है वार्ड में? विकास कहाँ हुआ है, विकास तो अभी पड़ा हुआ है, जैस के तैस। आपके जो अभी निवर्तमान पार्षद हैं कहते हैं कि हम अपने वार्ड को तो स्मार्ट वार्ड बना दें। ना, स्मार्ट तो है नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आपको क्या लगता है? पिछला बार विक्रम साहब जब खड़ा हुए थे उस समय इतनी काम किया था कि जगह जगह पर डस्टबिन, लाइट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जनता को एकदम फ्री, कोरोना में लोगों के साथ, कोरोना में पूरा दबाए थे, समर्थन दी, कोरोना में भरपूर साथ अपने पास से पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ये अपने स्वच्छ रूप से अपने अधिकार से जितना पब्लिक को चाहे अपना भरपूर कोशिश की है कि किसी का सपोर्ट नहीं, बच्चों का जो मदद होता है विक्रम साहब। आप इनका मलबा क्यों पहन लिए हैं? मलबा तो इनके साथ देने के लिए हम पहन लिए कि पहचान होगी तो सबकी जीत है, इन सबकी जीत, आपकी जीत, जनता की जीत है, बस इसलिए। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में अपने पब्लिक, अपने वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा आएगा, पढ़ा लिखा युवा आएगा तो आपके वार्ड में कुछ विकास का अलग पैमाना और अलग धारा से विकास लेकर के। आपके समाज की पटना की मेयर है, इस बार मेयर का चुनाव जनता और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता ही कर रही है, आपका भी चुनाव जनता ही कर रही है? हमारे ही समाज की नहीं, वो पूर्ण समाज की, और अच्छा काम करेंगी तो वो जनता उनको पुनः फिर से आशीर्वाद देंगे। 2017 और 2022 के बीच में कैसा काम हुआ है? मेरे हिसाब से तो ठीक काम हुआ है, उनको रिपीट करना चाहिए, ये जनता तय करेगी। आपके अकॉर्डिंग पटना का मेयर कैसा हो और कौन हो? पटना का मेयर के लिए हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं क्योंकि अभी हम लोग अपने ही काम में उलझे हुए हैं, अपने बाढ़ के क्षेत्र के काम में उलझे हुए हैं। पटना का मेयर जब आएगा वैसा मौका तो देखा जाएगा, जनता तय करेगी, ये जनता का काम है, हमारा काम है अपने वार्ड को देखना, हम अपने वार्ड को देखेंगे।